रूस और भारत के बीच अच्छे और गहरे संबंध हैं और अब एक बार फिर भारत रूस के रणनीतिक सहयोग से भारत के T-90 टैंकों को मैंगो फायर पावर मिलने वाली है। इससे भारत को मजबूती मिलेगी। दरअसल रक्षा उपकरण बनाने वाली एक दिग्गज रूसी कंपनी JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारत में 3VB M17 मैंगो आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड रिकॉर्डिंग सैबोट APFSDS राउंड का उत्पादन शुरू किया है। इस राउंड को कंपोजिट आर्मर से लैस बख्तरबंद वाहनों यानी टैंकों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये राउंड आधुनिक तरीके से लड़े जा रहे युद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैंगो राउंड का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, यानी इन्हें भारत में बनाया जाएगा, जो कि भारत और रूस के बीच गहरी साझेदारी को दिखाता है। आपको बता दें कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने मैंगो टैंक राउंड के लिए भारत में फैक्ट्री स्थापित की है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन संभव हो पाया है। अब जान लेते हैं मैंगो APFSDS राउंड के बारे में, ये क्या है और कैसे काम करता है। मैंगो राउंड भारतीय सेना में इस्तेमाल हो रहे T-72 और T-90 MBT गन से फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आधुनिक टैंकों को भेदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 6 APFSDS राउंड ऐसे खास गोला बारूद हैं, जिन्हें मोटे कवच को भेदने और दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये राउंड टंगस्टन और यूरेनियम से बने होते हैं। ये राउंड किसी टारगेट से टकराने पर छोटा लेकिन गहरा छेद बनाता है, इससे ये टैंकों को भेदने में सक्षम होते हैं। इससे साफ है कि भारत के पास अब आधुनिक टैंकों को भी भेदने की क्षमता होगी।